हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, ओनली फॉर 10 रुपीज़ में ये मेकअप लुक आज मैंने क्रिएट किया है। एंड गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक बहुत ही पसंद आएगा। एंड गाइज, प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। प्लीज़ यार, बिना पैसे के सब्सक्राइब करना होता है, बिना पैसे के लाइक करना होता है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी कंजूसाई किए बिना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो या लाइक किया करो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ओके, सो ये मेकअप लुक मैंने ओनली फॉर 10 रुपीज़ में किस तरह करेक्ट किया है वो देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ में पॉन्स वाइट ब्यूटी की जो क्रीम आती है ना वो ले रही हूँ। आप फेरम लवली की वो 10 रुपीज़ वाली क्रीम आती है ना वो भी आप ले सकते हो। मेरे फेस पे इसे अच्छी तरह डॉट डॉट करते हुए मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, एज यू कैन सी। सो ये 10 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके, सो गाइस, इसे अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। एज यू कैन सी, इंस्टेंट मेरे फेस को इसने ब्राइट बना दिया है गाइस। जब मैं छोटी थी तब मैं इसे ही इस्तेमाल करती थी, क्योंकि मेरी मॉम इसे इस्तेमाल करती थी इसलिए। सो आप देख सकते हो मेरा फेस इंस्टेंट ब्राइट दिख रहा है। एंड एज अ कंसीलर की तरह इसे दोबारा मैं मेरे डार्क सर्कल एंड डार्क स्पॉट पर इसे अप्लाई कर रही हूँ गाइस। एंड जिन लोगों की ड्राई स्किन है ना वो इसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। एंड ये बहुत अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में ये वर्क भी करती है, अच्छी क्रीम है गाइस। एंड मेरे मॉम की फेवरेट है ये। एंड आप इंस्टेंट मेरे फेस पे ग्लो एंड ब्राइटनेस देख सकते हो गाइस। एंड यहाँ पे 10 रुपीज़ वाला मैं पॉन्ड्स का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस। ये 10 रुपीज़ चैलेंज, मुझे ये मेकअप लुक करना ही था गाइस, इसलिए मैं एक कटलरी की दुकान में गई, अंकल को कहा कि मुझे 10 रुपये में जो भी मेकअप प्रोडक्ट है वो मुझे दिखाए। सो उन्होंने मुझे फेरम लवली नहीं थी तो ये पॉन्स वाइट ब्यूटी की 10 रुपीज़ वाली क्रीम दी एंड मुझे ये पॉन्स का पाउडर दिया। सो एज यू कैन सी, सो गाइस, मेरे सारे फेस पे इसे मैं अच्छी तरह ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह नहीं लग रहा था, फिर मैंने मेरे हैंड से ही इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लिया एंड अप्लाई कर रही हूँ गाइस। ये पाउडर की कवरेज तो हैंड से ही अच्छी आती है गाइस। मैं छोटी थी तब ये पाउडर को बहुत अप्लाई करती थी। एंड जो टीनेजर है, जिन लोगों के पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है गाइस, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप ये पॉन्स वाइट ब्यूटी एंड पॉन्स पाउडर को एज अ मेकअप की तरह, बेस की तरह, मेकअप की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही इंस्टेंट ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन लगती है, आप देख सकते हो लाइव रिजल्ट। एंड गाइस, एंड यहाँ पे मैंने मिनाओ की 10 रुपीज़ वाली आईब्रो पेंसिल ली, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये मुझे मिल गई गाइस। एंड ये इतनी सारी पिगमेंटेशन वाली नहीं थी, लेकिन मैंने उसे थोड़ा शार्प किया एंड इसे अप्लाई कर रही हूँ मैं एक्स्ट्रा कोई शेप नहीं दे रही हूँ, बीच में जो गैप है ना इसे ही भर रही हूँ एज यू कैन सी। एंड इसके साथ मैं बाद गाइस कॉम्ब भी दिया जाता है, सो मेरे आईब्रो को अच्छी तरह डिफाइन कर लूँगी। सो मैंने अच्छी तरह दोनों आईब्रो को डिफाइन कर लिया है गाइस। एंड यहाँ पे मिलाप की 10 रुपीज़ वाली मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। जो छोटे बेबी को ये ज़्यादातर लोग ये अप्लाई करते हैं ना वो है 10 रुपीज़ वाली काजल। एंड गाइस, 10 रुपीज़ में तो मुझे कोई मस्कारा मिला ही नहीं, तो मैंने ये DIY कर लिया। यदि आपके पास कोई भी मस्कारा का ये ब्रश है गाइस, तो आप इस तरह काजल के अंदर इसे इसे डीप करके इस तरह मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। एज यू कैन सी, आप डिफरेंट देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल कल हो जाती है आपकी आईलेस, आप देख सकते हो गाइस। एंड यहाँ पे मैंने लिप बाम अप्लाई की थी, इसे रिमूव कर रही हूँ कॉटन से। एंड गाइस, यहाँ पे मुझे ADS की 10 रुपीज़ में लिपस्टिक मिल गई थी गाइस। एंड मुझे ये पर्पल शेड बहुत पसंद आया, सो मैंने इसे परचेस कर लिया गाइस।
एंड 10 रुपीस में कोई लिपस्टिक मिल सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन मुझे ये 10 रुपीस में मेकअप चैलेंज करना था गाइस, सो मुझे मिल गई फाइनली। सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल डार्क पर्पल कलर की लिपस्टिक है गाइस, मुझे ये शेड बहुत ही पसंद आया। एंड गाइस ये भी एडीएस की ही लिपस्टिक है गाइस, एंड इसकी 20 रुपीज़ प्राइस थी, लेकिन मुझे मैंने बार्गेनिंग कराई एंड यहाँ पे डार्क रेड कलर्स की लिपस्टिक मैंने ओनली फॉर 10 रुपीज़ में मैंने ले ली गाइस। एंड एज अ ब्लशर की तरह मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस यहाँ पे जो पर्पल कलर की छोटी वाली लिपस्टिक थी ना, वो ही मैं एज अ ब्लशर एज अ आई शेडो की तरह मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ गाइस। लेकिन ये लिपस्टिक है ना, इजीली ब्लेंड नहीं होती गाइस, इसे अच्छी तरह ब्लेंडिंग में टाइम लगता है, सो मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड गाइस यहाँ पे लाइव हूँ, लाइव ही आपके साथ में, यहाँ पे हेयर स्टाइल आपको मैंने सारा मेकअप किस तरह किया वो बता रही हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल मेरे हेयर को क्लचर से सिक्योर कर रही हूँ गाइस, एंड यहाँ पे एज यू कैन सी सिंपल 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 क्लचर ही अप्लाई कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। एज यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल, मुझे ये हेयर स्टाइल है ना पर्सनली बहुत ही पसंद है गाइस, सो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये बिंदी मैंने 10 रुपीज़ में परचेस की थी गाइस, एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ ट्राई कर रही थी कि बिंदी ये लुक के साथ मैच होती है या नहीं, लेकिन गाइस नहीं, ब्लैक बिंदी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड यहाँ पे मैंने पर्पल बिंदी दोबारा अप्लाई की, लेकिन ये मेकअप लुक के साथ कोई भी बिंदी अच्छा लुक दे ही नहीं रही थी। सो गाइस मैंने विदाउट बिंदी के साथ ये मेरा फाइनल लुक, एज यू कैन सी मैंने सिंपल सी इयर रिंग्स यहाँ कैर कर ली है एज यू कैन सी।